मुझे तो लाली पे शक था ही राजवीर, पर अब तो उसने खुद ही बात मान ली है कि वो यहाँ घर बसाने नहीं बल्कि सांगवानों के बसे बसाए घर को खत्म करने के लिए आई। माँ जी को भी इस पे शक हो गया था और उन्हें तो मुझे बचने की सलाह भी दी थी राजवीर। उन्होंने कहा था कि अरे कभी तो अपने दिमाग से सोच लिया कर सिमरन, वो छोरी जिसने इतने सालों तक अपने ससुराल में नहीं आने दिया गया हो, वो अचानक अपने ससुरालों के साथ इतनी मीठी कैसे हो सके से, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर उस वक्त लाली मेरी ऐसी सगी बनी हुई थी राजवी कि मैं उस पर शक कर ही नहीं सकती थी। मैंने माँ जी की बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं किया। काश कि मैंने माँ जी की बात सुनी होती तो शायद ये बात अब तक इतनी बड़ी नहीं बनी होती। हाँ तो ठीक है ना सिमरन, अब तक इतनी देर थोड़ी हुई है, हम ताऊजी और ताईजी को जाके सब कुछ सबसे बता सकते हैं। नहीं राजवी, तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन है पर ताईजी और ताऊजी बिना सबूत के मेरी एक नहीं सुनेंगे। मतलब हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। हाँ राजवी, मैं माँ जी और ताई जी को ऐसे अलग अलग नहीं देख सकती, सगी बहनों की तरह है वो, मुझे उन दोनों को मिलाना ही होगा। अमर ने दो सगे भाइयों को साथ साथ करना होगा सिमरन। मैं गबरू जी से जाके बात करती हूँ। तो फिर ये कोशिश सांगवान की जीत के लिए। चाय बनाने का पतीला कहाँ है? क्यों? वो चाय बनानी। अब चाय मैं बना देती हूँ बेटा, बस ये छोटा सा काम हो जाए। अरे नहीं नहीं माँ जी, बस एक ही कप चाय बनानी थी, वो गबरू जी को चाहिए अपने पराठे के साथ। अब चाय तो बन जाएगी पर बेटा पराठे के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। अरे नाना माँ जी, गबरू जी को हमारी रसोई से सिर्फ चाय चाहिए क्योंकि पराठा तो उन्हें ताई जी की रसोई से मिल गया, कल रात का बचा हुआ था। गबरू जी बता रहे थे कि बहुत स्वाद बने हुए थे ताई जी की रसोई के पराठे। अजवाइन वाले पराठे तो बहुत स्वाद बना हुआ है जी जी, अगर एक बार कोई खाने बैठ जाना बस खाता ही रह जा। पर ये हमारा जी जी के पराठे से के लेना, ना तो राजवीर के बापू खावेंगे ना हम। वैसे ताई जी, अब तो आपने भी मजा नहीं आता होगा ना पराठे बनाने में। क्यों इबके हो गया? नहीं, आपके तारीफ करने वालों की संख्या जो कम हो गई है। रानो बता रही थी कि उसके बापू आपके अजवाइन वाले पराठों के इतने दीवाने थे कि हर दूसरे दिन बनवा लिया करते थे आपसे। खैर, अब बनवाना तो दूर, अब तो कभी खाएंगे भी नहीं। नहीं खाएंगे तो ना खाएं, मने कोई फर्क ना पड़ता। और हाँ गब्बू, मने रसोई जरूर अलग की है, किसी को खाना खाने से मना ना किया। अगर घर वाले इब्बे चाहे ना तो मैं सबके लिए खाना बना सकूं। और हाँ, बनेगा हिम्मत और उसके बापू की पसंद का। पर फिर भी एक ही घर में दो दो रसोईयां सजी पड़ी हैं, सारे घर वालों ने अलग अलग रसोई का खाना मिल रहा है, बस दादी ने छोड़ के मंदिर से खाना मंगवा के खा रही है। सोचो बेचारी दादी। दुख तो इसी बात का सिमरन, अम्मा जब मंदिर का रूखा सूखा खावे है ना तो दिल में बहुत दुख है मेरे, ऐसा लगे कि पैर पकड़ के बोल दू कि अम्मा घर का खाना खा ले। तने तो बेरा से कितनी जिद्दी से अम्मा। उनकी जिद का तो पता नहीं माँ जी, पर आप इतनी जिद्दी हो सकती थी ये पहली बार देख रही हूँ मैं। मैंने कौन सी जिद करी? चुप रहने की जिद की माँ जी आपने। आपके सामने इस घर में दो दो रसोईया बन गई और आपने कुछ नहीं कहा। इसमें हमारी कोई गलती ना है, वो अलग रसोई की जिद तो जिद जी ने करी थी। हाँ थी उनकी जिद, पर आप तो ताई जी के इतने नजदीक हैं, दो सगी बहनों से ज्यादा प्यार से रहती थी आप। अगर आप चाहती तो अकेले में उनको अपनी गलती का एहसास करवा सकती थी आप। ना गबरू, बुरा तो मन्ने भी लगे है, पर हाँ
इस सब में मैंने अपनी गलती कोई ना दिखती। तू देख मैंने कितने साल दिए हैं इस घर ने अपने, एक अलग रसोई का हक तो बने है मेरा। दाजी एक बात बताऊं आपने, कल रात रानू की अम्मा ने सपने में खुद को और आपको एक साथ खाना बनाते हुए देखा, फिर उसके बाद उनकी नींद खुल गई, फिर बहुत रोई फूट फूट कर, कह रही थी कि जीजी के साथ खाना बनाने का जो मजा था ना वो अब नहीं रह गया, बहुत याद कर रही थी आपको। सच कहे? अरे हिंदी सिनेमा की कसम, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। याद तो मन्ने भी बहुत आवे है, पर चाय मांगी थी ना तन्ने? अरे वाह चंचल, आज तो तन्ने पूरी रूह त्वचा बनाई है, सच में मजा आ गया। राम प्यारी, अरे भाई केक डाल दिया था ना चाय में आज, सच में आज तो चाय पीने का मजा आ गया। बस वाह, दाद देनी पड़ेगी, बहुत तरक्की पे सांगणों का परिवार। पहले तो एक ही घर में दो दो रसोईयां बने, अब बस एक दूसरे के बीच में दीवार खींचने की तैयारी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, फिर बहुत जल्दी ये सांगवानों का परिवार टूट जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में ना आ रही है तो मैं आज उसे खुद पकड़ के लाया, आप लोगों को गलती का एहसास कराना। किसकी बात कर रहे थे? जो खुद ही देख लेना ना ताऊजिया। अरे ले आओ उसे अंदर। इसे क्यों ले आया फिर से? आपकी आंखें खोलने के लिए ताऊ जी, माफ करना ताऊ जी, मैं अपनी हद से बाहर जाके कुछ बात कर रहा हूं, लेकिन कल इसने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ झूठ था, और ये आज अभी सब कुछ सच उगलेगा। चल बोल बता। सच ये है ताऊ जी कि मैंने जो कल आपसे कहा था वो एकदम झूठ था। वो होशियार भाई साहब को आपकी नजरों में गिराने के लिए ये सब किया गया था, और ये भी सच है कि राजवीर के गोदाम में जानबूझकर पानी डालकर इनके गेहूं खराब किए गए। ताकि ये जीत ना सके। किसके सारे पे किया था ना? वो रहेंद्र ने था जी। मैंने उसका नाम बता। नहीं तो यहाँ से चिंता नहीं चाहेगा तू। कुलदीप सिंह। ताऊजी, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, थोड़े से पैसों के लालच में ये सब कर बैठा। अब आगे से मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। माफ मैं तने तब करूंगा जब तुम्हारी एक बात मानेगा।
मुझे मुझे आपकी सब बातें मंजूर है, बताइए क्या करना है मुझे। तो कुलदीप से कुछ नहीं कहवाएगा, कितने सारा सच मैंने बता दिया है। नहीं नहीं बताऊंगा तो, और अगर बताया ना तो तने खोज का इस दुनिया से गुम कर दूंगा। ले जाओ इसमें।